बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली शराब नीति केस से जुड़ी बड़ी खबर। ईडी ने चार्जशीट जारी करी है। चार्जशीट के अंदर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का नाम सामने आया। चार्जशीट पर उन पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र किया गया है। ये बड़ी खबर, दिल्ली शराब नीति केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी की चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का नाम सामने आया। चार्जशीट में उन पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस में लगातार आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। एक बार फिर ईडी की चार्जशीट के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का नाम सामने आया है। चार्जशीट में उन पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र किया गया। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया था। मनीष सिसोदिया का नाम भी इसमें शामिल हो चुका है। और अब एक और नाम आम आदमी पार्टी के नेता का, संजय सिंह, उनके ऊपर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमसे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजीव, देखिए, ईडी ने चार्जशीट जारी की है। इस चार्जशीट के अंदर एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का नाम सामने आया। क्या ताजा अपडेट आपके पास उसको लेकर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 8 जेल में हैं। जी, और इसी मामले में सीबीआई ने कुछ दिनों पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की है। पूरा मामला जो है यह भ्रष्टाचार का है, क्योंकि जो शराब नीति को लेकर के पहले मामला सामने आया था, लेकिन इसमें भारी पैसे का हेर फेर हुआ है। और अब ईडी की तरफ से जो चार्जशीट फाइल किया गया है उसमें संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उनका नाम है, और 82 लाख रुपए चंदा लेने की बात है। क्योंकि भारी पैसे का हेर फेर हुआ है, तो इसमें लगातार ईडी सभी आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनकी बात कर रही है। और ईडी को निकालने पर इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में है, क्योंकि जो शराब नीति में बदलाव हुआ उसके बाद जो पैसे की नकलेबाजी हुई इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जो शराब नीति में बदलाव हुआ तो यह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में नीति जो बनाई गई है, और अब संजय सिंह जो की आम आदमी पार्टी के सांसद है, राज्यसभा सांसद है, इनका नाम सामने आया, तो कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें इस मामले में आने वाले समय में और बढ़ सकती है। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजीव हमारे साथ।